चतुर्मास एक अवसर है अध्यात्म का, अपने भीतर प्रवेश करने का, अपने भीतर अवगुणों को सद्गुणों को जानने का। चतुर्मास एक अवसर है अनंत सुख का अनुभव करने का। चतुर्मास एक अवसर है अस्तित्व के बोध का। चतुर्मास एक अवसर है कर्मों के बंधन को रोकने का। चतुर्मास एक अवसर है कर्म क्षय करके सिद्धालय तक जाने का। चतुर्मास एक अवसर है मिथ्यात्व को तोड़ करके संकट में जाने का। चतुर्मास एक अवसर है मोह पर विजय प्राप्त करने का। चतुर्मास एक अवसर है अपने चरम लक्ष्य सिद्धालय को जाने का। ये चतुर्मास जैन साधु साध्वी एक स्थान पर ठहरेंगे, आपकी आज्ञा लेकर ठहरेंगे, और आप श्रावक हैं, आपको आगार दिया प्रभु ने कि आप व्यापार धंधा भी कर सकते हो, सेवा भी कर सकते हो, साधना भी कर सकते हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो हमें करना क्या इस चतुर्मास में कि मुनि तुम क्या कर रहे हो, घर बार छोड़ दिया, माता पिता परिवार को छोड़ दिया, और किसके मोह में आकर के तुम घूमे जा रहे हो, भ्रमण करते जा रहे हो, लोगों को सुधारने जा रहे हो। तुम पहले अपने आप को देखो, तुम हो कौन, तुम किस लिए आए, क्यों आए, कारण क्या है आने का। जब यहां बैठ करके साधना हुई, अरिहंत परमात्मा की कृपा बरसी, शासन देवों का अनंत उपकार है, और अहंत राज का वितराग साधिका निशा जी की उपकारों को इस जन्म किया, जन्मों जन्मों तक इस भारत वर्ष में नहीं पूरे यूनिवर्स में भुलाया नहीं जा सकता। आत्मा ये शब्द नहीं है, अरिहंत परमात्मा की वाणी की शुरुआत, मैं जीवात्मा हूं, प्रभु कहती इतना जान लो समझ लो तो मोक्ष के द्वार तक चले जाओगे, इतना जान लो समझ लो और अंतर में स्वीकार कर लो मैं जीवात्मा हूं, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ है ही नहीं, आत्मा को क्या चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं आत्मा को, आत्मा के माता नहीं, पिता नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, गुरु नहीं, शिष्य नहीं, आत्मा के अन्न का दाना आत्मा ने ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद पी नहीं, आत्मा निराकार है, आत्मा गुरु लघु है, पर सबसे शक्तिशाली कौन है बोलो, तो आत्मा को महत्व दिया कि नहीं दिया, आत्मा निकल गई तुम्हारा क्या कीमत है बोलो। घर में कहते कड्डो इन बार कड्डो उन कड्डो बार कड्डो, तो समझो जो अरिहंत परमात्मा की धर्म को समझो, अरिहंत परमात्मा ने जो धर्म दिया है, ये पंचम काल में धर्म लुप्त हो गया है, सच कहता हूं लुप्त हो गया है, हमें भी धर्म बाद में मिला, ये अरिहंत परमात्मा की कृपा से मिला, बहुत वर्षों से साधना कर रहे हैं, परंतु जैसे जैसे मानी आती है, जैसे जैसे भीतर जाते हैं उतना ही सुख बढ़ता है। यदि आप धर्म करते हो तो आप सुख हो, सुखी हो, क्योंकि आत्मा का गुण अनंत सुख है, आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत शक्ति है, और अनंत सुख ये आत्मा का गुण है। और हम सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, बड़े होटलों में खाना खाना चाहते हैं, मित्र बनाना चाहते हैं, धन इकट्ठा करना चाहते हैं, अपना नाम लग जाए पट्टे पर, नाम लग जाए मेरा,
अरे किसका नाम, कौन का नाम? शरीर अनंत बार मिला और अनंत बार छूट गया। एक आत्म तत्व है या कैसा, मुझे लोग आत्मा का कैसे पता करें? पता करने की जरूरत नहीं, आत्मा है थी रहेगी, बस इतना ही काफी। आत्मा के बिन जिंदा हो तुम, आंख से देख सकते हो, कान से सुन सकते हो, नासिका से सुगंध ले सकते हो, पांच इंद्रियां, छठा मन और बुद्धि, ये आत्मा के बिना निष्प्राण है, ये सबूत है आत्मा का। पर आत्मा दिखाई नहीं देती, आत्मा निराकार है। नो इंद्रिय गिज्जा अमुत भावा, ये महावीर की वाणी कहती है, आत्मा इंद्रियों से ग्रहण नहीं हो सकती क्योंकि आत्मा निराकार है। नो इंद्रिय गिज्जा अमुत भावा, ये महावीर की वाणी का सूत्र है, समझो। तो दिखाई देता है वो नश्वर है, जो आकार में है वो मिटेगा, जलेगा, भस्मीभूत होगा, जो निराकार है वो टिकेगा। तुम कौन हो? नाम से कुछ होने वाला नहीं है, भीतर डुबकी लगाओगे तब मिलेगा। सबको कह रहा हूं, डुबकी भीतर लगानी होगी, भीतर जाओ, खजाना भीतर भरा पड़ा है, क्योंकि आत्मा का निज गुण है, सुख भीतर भरा पड़ा है, शक्ति भीतर है, आनंद भीतर है, ज्ञान भीतर है, हम वहां ढूंढ रहे हैं। ये हमारी मूर्खता है, ये अविवेक है, समझो। तो सुख शक्ति ज्ञान आत्मा में था, आत्मा में है, आत्मा में रहेगा। प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी धूल आत्मा की, जीव की क्या है सबसे बड़ी भूल? अज्ञान, कि जीव ने अपने को नहीं जाना, मैं हूं कौन, ये आत्मा ने अपने को नहीं जाना, इसलिए हम चार गति 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण करते जा रहे हैं। सबसे बड़ी जीव की भूल, जीव मां के गर्भ में आता है, 9 महीने रहता है और मां जन्म देती है, मां कहती मेरा बेटा, पिता कहते मेरा बेटा, भाई बहन, मोह का पसारा शुरू हो जाता और जिंदगी भर चलता है, और उसको बड़ा करने में, धन कमाने में, बंगला बनाने में, कोठी बनाने में, व्यक्तित्व बनाने में, किसी का व्यक्तित्व नहीं रहा, अस्तित्व रहेगा, व्यक्तित्व रह नहीं सकता। तुम अस्तित्व हो, तुम व्यक्तित्व हो ही नहीं, ये अरिहंत परमात्मा की वाणी कहती है, समझो जरा। इतना समय तुम अपने लिए लगाते हो, परिवार के लिए लगाते हो, धन के लिए लगाते हो, बहुत सेवा भी करते हो, मैं नहीं कहते, आप सेवा भी करते हो, संतों के पास जाते हो, संतों को सुविधा देते हो, कपड़ा देते हो, मकान देते हो, आहार पानी देते हो, सब कुछ करते हो, पर अपने लिए क्या करते हो? अपने लिए करो, जो तुम करोगे अपने लिए वही तुम्हारे पास जाएगा, बाकी सब छिन जाएगा। बस एक है कि हमें सबसे बड़ी भूल कि जीव ने, आत्मा ने अपने को नहीं जाना। ये पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की कृपा बरसी है, जो शिविर लग रहे हैं, बैठे आनंद लें, मिश्री का स्वाद चखें, किसी को खिलाने से नहीं पता लगता, खुद करो और आगे बढ़ सकते हो। पर अपने लिए क्या कमाया? अपने लिए ध्यान, साधना, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे जाना कहां है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। सबका लक्ष्य एक सिद्धालय है, सिद्धा सिद्धिंगम, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप 4 दिन का शिविर करो, 7 दिन का करो, 10 दिन का करो, जब भी लगे करो, और आपका मिथ्यात्व टूटेगा, संकट प्रकट होगा। और सच्ची श्रद्धा क्या है? तत्वार श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन, तत्व के प्रति श्रद्धा, तत्व का मतलब आत्मा के प्रति श्रद्धा, विश्वास। जब तक विश्वास ही नहीं है, आत्मा का शब्द नहीं है, हमने आत्मा के बारे जान लिया, मैंने बोल दिया, ना मेरा कल्याण होगा ना आपका कल्याण होगा। आत्मा एक अस्तित्व है, भगवान फरमाते हैं, आत्मा शब्द नहीं है, मैं जीवात्मा हूं। ये यदि आप इस शब्द को अपने भीतर ले गए और अंतःकरण में समा लिया, उसमें गहरे गहरे डूबते गए, सारा मिथ्यात्व टूट जाएगा, बाकी सारा मिथ्यात्व मिथ्यात्व है। ये जीव आत्मा आपको मोक्ष के करीब ले जाएगी, ये महावीर की वाणी, ये अरिहंत परमात्मा की वाणी। फिर जुड़ो और समझो और करो। तुम श्रावक हो, मैं मानता हूं, मैं साधु संतों को कहते हो,
कम से कम 4 घंटे 6 घंटे अपने लिए लगा लो, अपने लिए करो। गुरु चले गए स्वर्गवास में, स्वर्ग में गए, तुम अपने लिए कुछ करो। घर बार छोड़ा है, किसके लिए छोड़ा, मुझे करुणा आती है, मैं कठोर भी हो जाता हूँ, कह भी देता हूँ, लोग नाराज हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता, मेरे पास नहीं आएंगे तो क्या फर्क पड़ता, अब इतनी लोग की बैठने की जगह ही नहीं मिल रही। मैं चोट से कहता हूँ, हम साधु बन गए हैं पर हम भी घिरे हुए हैं, साधुओं ने भी तुमको घेर रखा है और तुम घिर गए हो। मेरी बात जहां मर्जी पहुंचा देना, साधु घर बार छोड़ करके आत्मा की साधना ना करे, वो साधु क्या हुआ, क्या हुआ साधु बताओ, अपनी आत्मा की साधना। मुख्य आत्मा है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति आत्मा में भरा पड़ा है। फिर नाम, लिंग, पद, प्रतिष्ठा कुछ होने वाला नहीं है। स्वर्ग में चले जाओ फिर वापस आओगे, हम सब स्वर्ग में जाके आ गए। मैं क्यों कह रहा हूं आपको, एक ही सत्य है जीवन में, हमने नहीं समझा, हमने नहीं जाना, हम भटके, अनंत बार भटका, मैं भटका, तुम भी भटके, हम सभी भगवान कहते नरक, सातों नरकों में जा आए, पशु पक्षी बन गए, मनुष्य बन गए, देव ही जाए, तुमने संयम पाला, देवगति में गए, फिर वापस आ गए, अपने लिए नहीं किया, अपनी ये साधना की जड़ और जीव का भेद करते हुए, शरीर अलग है आत्मा अलग है, ऐसी सुंदर साधना कि 1 घंटे 2 घंटे नहीं 24 घंटे कभी भी कर सकते हो। सब में आत्मा के दर्शन करो, ये स्त्री ये पुरुष, ये छोटा ये बड़ा, ये काला ये गोरा, ये मेरा ये तेरा, ये स्थानक वासी ये उसकी परंपरा, कोई परंपरा नहीं, सब में जीव आत्मा, ये महावीर की वाणी है। जीव देखो, आत्मा देखो, शरीर को देखो ही मत, ये स्त्री ये पुरुष ये छोटा ये बड़ा ये काला ये गोरा, भगवान देखते हैं किसी को, भगवान के समोसरण में जब अरिहंत परमात्मा का समोसरण लगता है, देव समोसरण की रचना करते हैं, इंद्र आते हैं और साधु साध्वी श्रावक श्राविका आते हैं, राजा महाराजा इंद्र भी आते हैं, पशु पक्षी भी आते हैं, और भगवान सबको एक ही बात कहते हैं, वहां कोई भेदभाव, मैं जीवात्मा हूं, सबको एक ही बोध देते हैं, मैं जीवात्मा हूं, हे जीवात्मा अपने को जान, अपने को पहचान, अपना कल्याण कर, अपनी मोक्ष की तैयारी कर, तो क्यों संसार में फंसा पड़ा है। भगवान की वाणी को सुन करके, समसरण को देख करके किसी को बोध हो जाता है, किसी को केवल ज्ञान हो जाता है, कोई शायक संकति हो जाता है, ये यहाँ पंचम काल है, वहां चौथा काल है, वहां जाओगे वहां आपको आसान है साधना करना, पंचम काल में बहुत कठिन है साधना करना, चारों ओर मिथ्यात्व, मेरा तेरा उसका उसका ये सब, ये सारा मिथ्यात्व है। जो आत्मा की बात करे, जो आत्मा की साधना करे, जो आत्मा में रमन करे, जो सबको समान दृष्टि से देखे, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, मेरा नहीं तेरा नहीं, केवल आत्मा, तो सब में समान आत्मा, निराकार आत्मा, अगरु लघु आत्मा, आत्मा का वजन ही नहीं है, वजन शरीर का है, आत्मा निराकार है, आत्मा शुद्ध है निर्मल है, उसकी ओर ध्यान दो जितने भी लोग आए। इसलिए मैंने पहले कहा ये अवसर है चतुर्मास अध्यात्म का, ये अवसर है चतुर्मास अनंत सुख के अनुभव का, आत्मा का चतुर्मास अस्तित्व का बोध प्राप्त करो कि मैं हूं कौन, किस लिए आया, और यही तुम प्राप्त कर सकते हो। और श्रावक बड़ी जल्दी मुक्त जा सकता है, साधु को समय लगेगा, क्यों, भगवान कहते हैं कि श्रावक की जिम्मेदारी है, वो धन कमाता है परिवार के लिए, संघ के लिए, समाज के लिए, साधु साधियों के लिए, सरकार के लिए भी सबको देता है, सबको देता है श्रावक, इसलिए श्रावक थोड़ा भी करे आगे पहुंच सकता। मैं आपसे कहता हूं 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे तो अपने लिए निकालो। इतनी सुंदर साथ तुम्हें शिवर किए करते क्यों नहीं, सब कुछ है यूट्यूब में लिखा हुआ, और तुम्हारा सुख बढ़ेगा, तुमने आज तक महत्व भी नहीं दिया, मतलब किसके दिया, वहां चला जाऊं, वहां चला जाऊं, उसका चमासा करा दूं, उसका चमासा करा दूं, मेरा नाम बोल जाए, चोपड़ा जी का नाम आ गया, किसी का नाम नहीं, ये शरीर का नाम है, आत्मा का कोई नाम ही नहीं, अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद परिपूर्ण आत्मा, ये 4 द्वार हैं धर्म के, क्षमा संतोष सरलता और विनम्रता। क्षमा, सबके लिए क्षमा का दान रखो, जीवन में संतोष रखो, सरलता लाओ, और मृदुता दीना का भाव रखो, 43 धम्म द्वारा, 4 धर्म के द्वार हैं, क्षमा संतोष
सरलता और विनय जीवन में लाओ। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। मेरे बोलने से किसी का मन दुखा हो, दूर बैठे हो, मैं किसी के लिए ऐसा नहीं कहना चाहता किसी को भी, पर मैं सब साधु साधियों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम सब अपने से जुड़ें, आत्मा से जुड़ें, सत्य से जुड़ें। जो सत्य हमारे भीतर है, था, रहेगा, उसको भुला दिया और बाहर की सुख की कामना करते हैं और जन्म लेना पड़ेगा, कितने कितने जन्म लेने पड़ेंगे। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो उपध्यायानंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तव देवावितंग नमंग शांति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानातो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पानातो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणम पावज्जामि, अरहंते शरणम पावज्जामि, सिद्धे शरणम पावज्जामि, साहू शरणम पावज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपने पन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड, जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।